नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना YouTube चैनल एनालिसिस क्लासेस में। दोस्तों आज की क्लास में आप लोग बताने वाले सेमेस्टर 4 इकोनॉमिक्स ऑनर्स कोर पेपर 9 का इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, ठीक है, जो आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट है। चाहे आप बिना भावी यूनिवर्सिटी से हो या SKMU से हो या कोल्हान यूनिवर्सिटी, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टोटल हमने अलग 8 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया जो आपके एग्जाम के विषय वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 4 कोर पेपर 9 इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न जो एग्जाम के विषय वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र को परिभाषित करें, क्योंकि आप लोगों को पढ़ना इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, ठीक है, एवं इसकी प्रकृति यानी कि इसके नेचर एवं इसके महत्व यानी कि इसके इंपॉर्टेंस, यानी कि डिफाइन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एंड डिस्कस इट्स नेचर एंड इंपॉर्टेंस, जो आपके एग्जाम के विषय वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विनोबा यूनिवर्सिटी या चाहे आप SKMU से या कोल्हान यूनिवर्सिटी, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसका हमने क्वेश्चन आंसर को भी करवा रखे हैं, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। अगला है सेकंड क्वेश्चन नंबर 2, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में रिकार्डो के परंपरावादी अथवा तुलनात्मक लागत सिद्धांत की विवेचना करें, एक्सप्लेन द रिकार्डियन कंपेरेटिव कॉस्ट थ्योरी, ठीक है, कॉस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जो आपकी एग्जाम के विषय वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका भी हमने क्वेश्चन आंसर को करवा रखे हैं, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, वीडियो में अपलोड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, जो स्वतंत्र व्यापार यानी कि फ्री ट्रेड एवं संरक्षण के गुण दोष को लिखे, यानी कि ये यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र व्यापार के गुणों को लिखें या पूछा जा सकता है कि संरक्षण के दोषों को लिखें। तो इस प्रकार यहाँ 2 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के विषय यहाँ से आने तय है, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग को पढ़ना है प्रशुल्क से आप क्या समझते हैं, सीमा शुल्क के वर्गीकरण महत्व को लिखें, ठीक है, जो आपके एग्जाम के विषय वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस टॉपिक से प्रश्न आते हैं या तो शॉर्ट टाइप के या तो लॉन्ग टाइप में, लेकिन आना तय है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, जिनमें से आपको पढ़ना है भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 है व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन में अंतर लिखें तथा भुगतान संतुलन का क्या महत्व है, ये आपके एग्जाम के विषय वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न या इस टाइप में पूछा जा सकता है कि भुगतान संतुलन से आप क्या समझते हैं और इसके महत्व को लिखें। इसलिए हमने यहाँ पे दोनों क्वेश्चन को मिला दिया कि व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन में अंतर को लिखें तथा भुगतान संतुलन का क्या महत्व, जो आपके एग्जाम के विषय वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं यहाँ सब 2-3 क्वेश्चन को आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि व्यापार संतुलन के बारे में पूछा जाए तो इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं, भुगतान संतुलन के बारे में पूछे तो इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो यहाँ से पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 6 और 8 में से दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि वर्ल्ड बैंक के बारे में इसके क्या उद्देश्य और इसके कार्य यानी कि इसके फंक्शन, वर्ल्ड बैंक इसके बारे में जो आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, फॉरेन पॉलिसी यानी कि विदेशी पूंजी की आवश्यकता महत्व की विवेचना करें, जो आपके एग्जाम के विषय वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 8 में है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मनी फंड, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यों का वर्णन करें, जो आपके एग्जाम के विषय वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लगभग हमने यहाँ से 4-5 क्वेश्चन आंसर करवा चुके हैं, अगर आप देखना चाहें तो वीडियो में अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ से शॉर्ट टोटल हमने 8 लॉन्ग टाइप के प्रश्न बताए और कुछ शॉर्ट टाइप के प्रश्न जो इंपॉर्टेंट, पहला मुद्रा का मूल्यन और तीसरा है विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है और दूसरा है WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो यहाँ से आपका प्रश्न आते हैं, जो आपके एग्जाम के विषय सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू गाइज, हमने कुछ वीडियो को अपलोड कर रखा, आप लोग देख सकते हैं, जिनमें से क्वेश्चन नंबर 1 से 5 लेकर क्वेश्चन आंसर अपलोड है, और जो भी नहीं है आज कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन आंसर को करवा दिया जाए, ठीक है। तो थैंक यू गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।